हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? और हैप्पी मकर संक्रांति। और उम्मीद करती हूँ आप लोग मीठा मीठा खाएंगे, तिल गुड़ खाएंगे, सब अच्छा होगा। बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। एक रीज़न तो है कि आज थर्सडे है और मेरा बृहस्पतिवार का व्रत रहता है, तो वो नहीं कर पा रही हूँ। और दूसरी चीज़ें हैं कि कुछ भी अभी सिस्टमेटिक नहीं हुआ है, तो अभी दिक्कत है। इस साल पहला हमारा शादी के बाद मकर संक्रांति था, बट नहीं हो पा रहा। बट कोई नहीं, कभी और कर लेंगे। और घर की बहुत याद आ रही है आज, क्योंकि अलग अलग टाइप के पकवान बनते हैं। तिल बनता है, चूड़ा दही खाते हैं हम लोग, और रात को खिचड़ी खाते हैं। तो आज सब कुछ बंद है, और फिर हस्बैंड के लिए बना दूँगी, रोहित के लिए बना दूँगी, वो खा लेंगे। खैर कोई नहीं, अभी तो बहुत सारा काम है। और सोनल की भी बहुत याद आ रही है। एक्चुअली आज थर्सडे है ना, तो सोनल के साथ ही पूजा कर रही थी मैं इतने दिन से। मॉर्निंग में उसका कॉल आता था, दीदी तैयार हो गए, चलो आ जाओ पूजा करने के लिए। और आज बहुत मिस कर रही हूँ, सच में उसको बहुत मिस कर रही हूँ। और कल तो सबसे ज़्यादा मिस करूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक 4 बृहस्पतिवार का व्रत किया है, और फ्राइडे को मैंने उसके ही हाथ का खाना खाया है। मतलब फ्राइडे को सुबह सुबह खाना दाल चावल भुजिया सब बना कर लेके आती थी, और दीदी खाना खा लीजिए, तो मैंने उसका खाना खा के व्रत खोला है। तो शी इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, कभी नहीं भूल पाऊँगी उसे। अलग हो गए हम लोग, वो कहीं और मैं कहीं और, और चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम लोग साथ में आ जाए वापस। मतलब बाहर में ऐसी बंदी मिल गई ना, तो ऐसा लगा कि शी इज़ माई सिस्टर, इतना ख्याल रखती थी। और ऐसे लोग बहुत रेयरली मिलते हैं, और सबसे दुख की बात है कि बहुत कम टाइम के लिए हमको ऐसा साथ मिला। ये लॉन्ग होता तो बहुत ही अच्छा लगता। तो आई रियली मिसिंग यू सोनल, तू मेरा वीडियो देख रही होगी, सब्सक्राइब तो किया ही है मेरा चैनल, तो देख ही रही होगी मेरा वीडियो। सो रियली मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, आज कर रही हूँ और कल भी करूँगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, लाइफ ऐसा है ना कि चलते रहता है। लाइफ में लोग आते जाते रहते हैं, फिर भी ज़िंदगी रुकती नहीं है, हमें चलना ही पड़ता है, नए लोगों से मिलना पड़ता है, वहाँ पे एक दुनिया बसानी पड़ती है। फिर ये एक साइकिल है, सर्कल भी है, चलता रहेगा। तो कोई नहीं, तुम दिल में रहोगे सोनल, आई रियली मिस यू, आई लव यू डियर। ये जो वीडियो है, एक्चुअली मैं कल एडिटिंग नहीं कर पाई थी, मतलब वेडनेसडे को एडिटिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और मैं थक के सो गई। और तो फिर आप लोगों को वीडियो टाइम पे नहीं मिल पाया, तो मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ। और जो कल की वीडियो है वो आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ, और जो मैं वर्बली आपसे जो बात कर रही हूँ ये मैंने आज शूट किया है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, बट एडजस्ट कर लीजिएगा, आई एम रियली सॉरी। कल नहीं मिल पाया, 2 बजे हम लोग सोए हैं, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। तो इसके आगे का जो भी वीडियो शूट किया है वो वेडनेसडे का है, यानी कल का है। तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आप लोगों को, और मुझे कुछ कुछ सजेशन भी चाहिए वीडियो में, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और जो मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में ऐसा क्या रीज़न है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, मुझे सजेशन दीजिए कि बाबा तुम ऐसा वीडियो बनाओ, ठीक है, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, ओके। और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। और नए वाले घर में जो है ये पानी का प्योरीफायर था वो ख़राब हो रखा है, तो मैंने बुलाया था भैया को वो फ़िल्टर चेंज करने के लिए, तो आज भैया फ़िल्टर चेंज करने के लिए आए हैं घर पे। आपने ये TDS है मैडम, इनकमिंग, ये पानी का TDS है, कितना हाँ, आया है? 115 116 है ना? हाँ, 115, हाँ, अभी इसका क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, ये जो पानी आया है ये सिर्फ आपका प्योरीफायर होके आएंगे, ओके, ठीक है। और आप आरो लेते हैं ना, तो उसके अंदर ये जो पानी है आपको बिस्लेरी के जैसा मिलेगा, ओके, हाँ।
ठीक है, ये दो कंसेंट है बस, आपको फिर कौन सा लेना है आप डिसाइड कीजिए। मेरा बिस्लेरी का पानी इसका TDS 20 है। 20 फिर आप आलो रहेंगे तो ऐसा पानी आएगा। ओके, और जब आप मुझे ये फिल्टर को ठीक करके दोगे तो वही TDS रहेगा। TDS वही रहेगा। और ये सारी चीज़ें हैं जो लगने वाली है कैंट में। वो दिन से बंद होगा ना उसकी वजह से, नहीं तो जो रहते होंगे ना उन्होंने सर्विसिंग नहीं किया। नहीं, ये घर जिनका है वो नया ही है अभी फिलहाल, तो को इनका फ्रेंड रह रहा था। और शाम होते ही हमें जाना पड़ा डॉक्टर के पास। तो ऐसा क्या हो गया कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा वो देखते रहिएगा वीडियो, तो पता चल जाएगा। और अभी मैंने बाहर से मंगाया है पनीर लबाबदार, तो कुछ ज़्यादा ही लबाबदार है और इसे बड़ा हुआ है सब्जी, और चपाती बना लिया है तो फटाफट से जा रही हूँ खाना खाने। और सब्जी देखने के बाद ना बहुत लालच आ रहा है और मन कर रहा है राइस बना के खाने का। और डॉक्टर के पास से आए तो भूख भी लगी थी और लेट हो गया था काफ़ी, तो इनको बोला कि सब्जी ले आइए फिर चपाती बना देती हूँ फटाफट से। बट बंद हो गया था रेस्टो जहाँ का सब्जी अच्छा होता है, जो लास्ट टाइम मंगाया था हमने, तो फिर लास्टली स्विगी से ऑर्डर करना पड़ा। और अच्छा था सब्जी, पनीर लबाबदार मंगाया था हमने तो अच्छा था। और फिर जो है ये चपाती बना ली और खा लिया। और आज भैया का बर्थडे है, मतलब इनके जो फ्रेंड है ना उनका बर्थडे है, तो उनके लिए मैंने मिठाई मंगवाया है, बंगाली है ना तो बंगाली स्वीट मंगवाया है, चमचम नाम बताया आई गेस, पता नहीं कैसा होगा, तो उनके लिए भी मंगाया हाफ के जी और 250 ग्राम मैंने मेरे लिए मंगाया, तो दिखाती हूँ मैं। और ये है चमचम बंगाली स्वीट्स, तो 250 ग्राम में 4 ही पीस आए हैं और मैंने एक टेस्ट किया है, अच्छा है, ठीक है। अभी यहाँ दूध गर्म करने के लिए रखा है, और यहाँ जिस एरिया में मैं शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पे गाय का दूध मिलता है प्योर वाला, तो उनके अकॉर्डिंग तो प्योर वाला है, तो मैंने 1 लीटर मंगाया था दिन में, तो मुझे लगता है कि सच में अच्छा होगा दूध। आप लोग बताइएगा मलाई देख के कि दूध सही दिया है क्या इन लोगों ने। 40 का लीटर बोला तो आधा लीटर लिया है, दूध पतला है काफ़ी, जैसे गाय का दूध पतला होता है और येलो मलाई होता है तो वैसा ही कुछ है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे ये दूध लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे सच में इसमें सजेशन की ज़रूरत है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नए व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते, देखो ना कितनी अजीब सी बात होती है, 108 व्यूज़, 200 व्यूज़, लेकिन लाइक तो किसी के जैसे 20, 30, 40, 50 ऐसा रहता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है उससे कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। आप लोग मुझे बताइए कि मैं किस टाइप का वीडियो बनाऊं। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का ऐसा कहना है कि मैं पार्लर से रिलेटेड, जैसे फुल थ्रेडिंग हो गया, फुल फेस थ्रेडिंग हो गया एक्चुअली, उसका वीडियो बनाऊँ, तो मैं फुल फेस थ्रेडिंग नहीं करवाती हूँ तो मैं अपने ऊपर तो नहीं बनवा सकती, बट कभी पार्लर गई और कोई करवा रहा है अगर फुल फेस थ्रेडिंग तो मैं ज़रूर वीडियो निकालूंगी आपके लिए। तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज़, और मैं करूंगी, बट मैं फुल यहाँ का तो करा ही नहीं सकती, इतना पेन होता है ना क्या बताऊँ, तो क्या होता ही नहीं, ये ठीक है यहाँ करा रही है वो बहुत ज़्यादा हो गया हमारे लिए, तो ठीक है मैं कोशिश करूँगी आपके लिए वीडियो बनाने का। और
और भी सजेशन देखते रहिए। ये देखिए दूध का, दूध उबल गया है, मैं गैस को बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे थोड़ी ठंड है इसलिए मैंने स्वेटर पहना हुआ है। और ये देखिए हम लोग यहाँ पे बलून फुलाने में बिजी हैं। ये हमारी भाभी, हाय बोलिए। हाय। और ये पति देव देखिए कैसे बलून फुला रहे हैं। फर्स्ट टाइम बलून फुला रहे हैं क्योंकि भैया का बर्थडे है, तो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। भैया को सुला दिया है कि बाबा आप सो जाओ। और मेरी लिपस्टिक देखिए कैसे फैल गई है बलून फुलाने की वजह से। तो सब लोग लगे हुए हैं। अप्रॉक्स 30 मिनट में हमने ये अरेंजमेंट किया, तो कैसा लग रहा है शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट आप लोगों को बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और पतिदेव ने भी बहुत सपोर्ट किया, भाभी ने भी किया, सब लोगों ने मिलके किया। और भैया को तो बहुत अच्छा लगने वाला है ऐसा उम्मीद है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और ये जो भाभी का फ्लैट है ये फुल फर्निश्ड फ्लैट है, तो हर एक फैसिलिटी है यहाँ पे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, गोल्डन एंड येलो के कॉन्ट्रास्ट में बलून लगाया है कुछ इस तरीके से। ऐसा बलून लगाने का आइडिया पतिदेव का ही था। और ये रहा बर्थडे केक आपके सामने, और हल्दी कुमकुम दिया बाती सब कुछ है यहाँ पे। और अभी भैया को बुलाने वाले उसने किया ही नहीं, बलून नहीं बनाया। सब आंटी ने किया पूरा, आंटी अंकल और मैं लग ही रहा था ना तुम लोग। आपको क्या लगा कल मिलेंगे? कल तो ठीक से कि मैं फोटो ले सकूं। हम लोग डॉक्टर के पास इसलिए गए थे क्योंकि रोहित की उंगली में घाव हो गया था और पस बन गया हुआ है पूरे फिंगर में, आप देख सकते हैं। तो ये बढ़ ना जाए इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और उन्होंने चेकअप भी किया इनका अच्छे से। ये सिकाई हो रही है, डॉक्टर ने बोला है गर्म पानी में 3 से 4 बार ऐसे करने के लिए, इससे ये अपने आप फट जाएगा और इसमें जो भी पस बन गया है वो निकल जाएगा, तब जाकर इनको राहत मिलेगा। तो सुबह सुबह का ड्यूटी है इनका। ये देखिए पिस्ता खा रहे हैं बिंदास किचन में बैठ के, और मैं यहाँ जा रही हूँ नाश्ते की तैयारी करने, रोटी वगैरह करने। और दाल बनाया था मैंने, तो क्या किया मैंने इसमें जो है घी था, तो घी ख़त्म हो गया था तो मैंने उसमें दाल डाल दिया है। तो इससे क्या होगा कि पूरा घी दाल में मिक्स हो जाएगा, और फिर एक रोटी का दल पिट्टी बना के दे दूँगी। बहुत दर्द हो रहा है, ज़्यादा गर्म पानी इसलिए दिए हैं कि जल्दी से फटेगा, हाथ जल जाएगा।